हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू गुरु मंत्र शिक्षा का ग्रंथ। होपफुली एवरीवन इज फाइन एंड डूइंग गुड। आई एम योर एडुकेटर नेहा तनेजा एंड आज हम एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं एंड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है एंड इट्स इमेंसली हेल्पफुल फॉर यू गाइस अगर आप इसको फॉलो करते हैं। तो टॉपिक में आपको दिखाई दे रहा है रेट्रोग्रेड मेथड रिवाइज फास्टर यूजिंग PYQs एंड कैसे आप इजीली मैक्सिमम मार्क्स अपने आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में पा सकते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। मेक श्योर ध्यान से पूरी वीडियो को सुने एंड उस चीज़ की इंटेंसिटी को समझने की कोशिश करें एंड सुनने की नहीं, उसको अप्लाई करने की भी कोशिश करें। ऑलराइट एवरीवन, सो जो मेथड की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ दैट इज रेट्रोग्रेड मेथड एंड दैट टर्म इज वेरी कॉमन। रेट्रोग्रेड मींस बैकवर्ड्स, टुवर्ड्स द बैक, यानी कि अगर हम रेट्रोग्रेड की बात कर रहे हैं मतलब हम कुछ पुराना या आगे की डायरेक्शन में नहीं, पीछे की डायरेक्शन में जो है वो देख रहे हैं, सो दैट हम फर्दर डिसीजंस जो हैं, जो भी चीज पास्ट में रही है वो हम फर्दर डिसीजंस जो हैं अकॉर्डिंगली ले सकें। तो रेट्रोग्रेड, अगर आप PYQs की बात कर रहे हो तो डेफिनेटली आप एक रेट्रोग्रेड मेथड से ही उनको सॉल्व करते हैं। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो कि आपको बहुत कोर एंड क्लियर आइडिया देंगी कि क्यों मैं इतना ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही हूँ PYQs के प्रॉपर एनालिसिस पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ट्रेंड का पता चलता है, ट्रेंड इन द सेंस कि पेपर तो बहुत सालों से हो रहा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं CSIR NET की ही बात करूँ, ये चीज़ सभी में अप्लाई होगी हर एग्जाम में। अगर मैं CSIR की बात करूं तो बहुत सालों से हो रहा है एंड दो साइकिल्स में ये चीज़ पूरी हो रही है, तो एवरी ईयर ट्वाइस टाइम जो है ये हो रहा है। तो हर टाइम जो है आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज, क्वेश्चन फ्रेमिंग, क्वेश्चन का ढंग समझ में आता है। जो ट्रेंड रहा है उसको एनालाइज करके आप अपकमिंग ट्रेंड का आइडिया लगा सकते हैं, खुद को उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि कितना डेप्थनेस आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए, उस चीज़ का एनालिसिस हम कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आप बात करें सेकेंड इम्पॉर्टेंट फीचर की या कैरेक्टरिस्टिक्स की या बेनिफिट की, तो वो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम सिलेबस तो बहुत सारा है, बहुत वास्ट है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की आपको लिस्ट भी दी जाती है एंड जैसे ही आप एनालिसिस करते हो PYQs का, आपको ऑलरेडी एक गेन हो जाता है एक सिनेरियो कि हाँ जी ये टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपार्ट फ्रॉम अदर टॉपिक, तो आप उस पर और अच्छे से फोकस करते हो। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का आपको आइडिया हो जाता है अगर आप एक प्रॉपर रूटीन में पेन डाउन भी कर रहे हो चीज़ों को पर्टिकुलर यूनिट को लेके, तो आपको बहुत अच्छा यहाँ से अंदाजा हो जाएगा। नेक्स्ट इज वॉट कि आपका जो फाइनल एग्जाम है 3 घंटे का, 180 मिनट का, अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो सकता है आपने कर रखा हो, अभी से भी स्टार्ट करते हो जून एग्जाम के लिए, आपको अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए अगर आप जून एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो आपकी प्री कंडीशनिंग हो जाती है, यानी कि जो आपका सोचने का तरीका है वो उस अकॉर्डिंग ढल जाता है। ठीक है, आप खुद को ट्रैक कर सकते हो, आप मल्टीपल पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आप खुद को ट्रैक कर सकते हो कि आपने कितना इम्प्रूव किया है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर माइंड को ऑलरेडी पता होगा कि मुझे इस रास्ते से जाना है, जो रास्ता हमें पता है ऑलरेडी, अगर हम रास्ता जानते हैं तो हम फटाफट से अपनी जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं, रेदर देन आप इधर डाइवर्ट हो रहे हो उधर डाइवर्ट हो रहे हो। प्री कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माइंड की ऐसे नेशनल लेवल एग्जाम को टारगेट करने के लिए। फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अभी टाइम कम बचा है,
बहुत सारे बच्चों को रिविजन में इश्यूज हैं, तो पीवाई की उस तो सबसे बेस्ट चीज है जिससे आप रिकॉल एंड रिविजन कर सकते हो। टाइम कम है, पूरा टाइम आप रिविजन में नहीं दे सकते, तो पीवाई क्यूज के थ्रू ही चीज को रिकॉल कीजिए और रिवाइज कीजिए। रिविजन में इट विल बी वेरी हेल्पफुल। अब काफी सारे बच्चों का एक क्वेश्चन बहुत कॉमन रहता है कि ठीक है मैम, इतनी सारी इंपॉर्टेंस है तो डेफिनेटली हम करेंगे, और इतना ही नहीं मार्क्स गेनिंग में भी हमें हेल्प मिलेगी क्योंकि ऑलरेडी वही पैटर्न चल रहा है, थोड़ा बहुत इम्प्रूव्ड होकर आगे आने वाला है। ऑलरेडी आपको तरीका पता है कहाँ से जाना है, सब चीज़ों के बारे में पता है, लेकिन पी वाई क्यू करे कहाँ से? तो देखिए, इसके लिए आपको वैलिडेटेड रिसोर्सेज, ऑथेंटिकेटेड रिसोर्सेज को फॉलो करना है, क्योंकि कई बार जहाँ आंसर्स दिए होते हैं इधर उधर वेबसाइट्स पर वो गलत भी होते हैं। तो आपको मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप CSIR नेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर ओल्ड पेपर गिवन है, मॉडल टेस्ट पेपर गिवन है, वहां से आप PYQs की प्रैक्टिस कीजिए, या कोई भी ऐसा सोर्स है जो ऑथेंटिकेटेड रिसोर्स है उसको फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर हम कितने सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है वहां पर आप फॉलो कर सकते हो। गुरुमंथ टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, वहां पर पर्सनली मैं भी काफी बार क्वेश्चंस पोस्ट करती हूँ, मल्टीपल स्टूडेंट्स भी आपस में डिस्कशन करते हैं। सो स्टार्ट टेकिंग बेनिफिट ऑफ दैट। एंड ये सारे रीजन इतने सॉलिड रीजन हैं जो कि आपको डेफिनेटली बहुत अपग्रेड कर देंगे। 50-50% का अगर मैं क्राइटेरिया लेकर चलती हूँ तो 50-60% अगर आप PYQ भी अच्छे से कर लेते हो ना, बिलीव मी, आपका जो पढ़ा लिखा है उसके अलावा 60% आपको बहुत अपलिफ्टमेंट मिलेगी अपने JRF का स्कोर अचीव करने के लिए। सो मेक श्योर आप PYQs का एनालिसिस, PYQ सिर्फ करने नहीं है, उनका बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है, अच्छे से उनको निचोड़ कर, उनको स्क्वीज करके आपको मैक्सिमम सीखना है। इसी के रिगार्डिंग मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ, वैसे आप बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, मेरा एक नया कोर्स शुरू हुआ है एंड वो कोर्स आज से ही शुरू हुआ है, दैट इज 29th अप्रैल, 10:13 मॉर्निंग इसकी क्लास हम करते हैं। सो मेक श्योर आप जो है, दिस इज 10:30 AM और 90 मिनट्स का सेशन है, लेटेस्ट क्वेश्चंस का एंड पिछले क्वेश्चंस का भी हम फोकस कर रहे हैं। अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा जरूर, ताकि अपडेट्स आपको मिलते रहे आने वाले कोर्सेज फ्री क्लासेस के बारे में भी। नेहा तनेजा सर्च करेंगे, मेरी प्रोफाइल पिक दिखाई देगी, वहाँ आप मुझे फॉलो कीजिए एंड कोर्स में एनरोल कर लीजिए। यहाँ पर क्योंकि एक अनअकैडमी का प्लस कोर्स है, ये पेड कोर्स है, लेकिन फ़ायदा आपका बहुत इमेंस, आपको इससे हेल्प मिलने वाली है। एंड नेहा रेफर कोड यूज करके आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इन केस यू आर विलिंग टू। सो मेक श्योर इसका फायदा आप जरूर लें, जरूर बेनिफिट लें, एंड कोई भी क्वेरी होती है तो मुझे जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। होपफुली आप इस चीज पर ध्यान देंगे, बिकॉज ये पीक टाइम है इन सब चीजों को फॉलो करने का, एंड अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल अप लेकर जाएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू सून, थैंक यू।